नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी जी भैया, स्वागत है आपका इस सेशन में। प्लीज टेक ओवर। धन्यवाद। तो कल हम लोग अभ्यास दो के स्टेप 7 को डिस्कस किए थे और उसके बाद सातों स्टेप्स को एक नजर में देखा था। तो एक बार हमारे अंदर शून्य के प्रति सजगता बन जाए, हम अपने आप को शून्य में देख पाए, तो स्टेप 1 से जहां हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया है अभ्यास 2 में, हर एक स्टेप में शून्य की सजगता के साथ अपने आप को, शरीर को, शरीर के साथ होने वाले आदान प्रदान को देख सकते हैं। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और असाइनमेंट ग्रुप में देखें तो इसको अपने आप में और ठीक से ऑब्जर्व करने की बात थी। पिछले कुछ दिनों की चर्चा में हमने शून्य की ओर ध्यान देने का अभ्यास किया, उसके बारे में प्रस्तावना को सुना, उसका विश्लेषित किया और उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया, एक शब्द के अर्थ में जाने का प्रयास किया। इसका पर्पस भी क्या है शून्य को देखने का, इस पर भी डिस्कस किया और फिर हम लोगों ने अभ्यास 2 के साथ इसको जोड़कर देखा। तो इतनी चर्चा जो उन्होंने की उसके साथ यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बनता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। कल दिन भर के विचार से, ऑब्जर्वेशन से कोई भी शंका, कोई प्रश्न बना हो, कोई बात अभी स्पष्ट न हुई हो। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। भैया, एक वो था, मतलब डाउट कह लो या फिर ऑब्जर्वेशन ही, कि जैसे हम किसी से कुछ ज्यादा अटैच होते हैं, किसी भी सेल्फ से, एक सेल्फ अगर दूसरे सेल्फ से अटैच्ड होता है काफी, मतलब उससे फैमिली में या फैमिली से बाहर भी, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर जो दूसरा सेल्फ है अगर उसके साथ कुछ ऐसे गलत होने का होता है, तो वो जो मतलब पहला वाला जो सेल्फ है उसको ये चीज, मतलब एक आभास होती है कि हाँ कुछ कुछ तो ऐसा है कि जो उसके साथ होने वाला है, अप्रिय घटना होने वाली है या कुछ ऐसे उसकी तबीयत खराब होने वाली है, कुछ मतलब इस तरह का, कि मतलब उसके बारे में वो कंटिन्यूस उसके मतलब थॉट्स में, इमेजिनेशन में आते रहता है कि हाँ कुछ तो होने वाला है। पर ये क्या है भैया, ये भी एक एनर्जी है सेल्फ टू सेल्फ के बीच में या एक रिलेशनशिप है सेल्फ टू सेल्फ के बीच में? देखिए, ये जो घटनाएं है ना, इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई बार हमको लगता है कि कोई ऐसी चीज हो सकती है और नहीं होती, कभी कभी लगता है कि हो सकती है और हो भी जाती है। जी भैया, तो कि मतलब हो रहा है कि हाँ कुछ, मतलब ऐसे खुद को फीलिंग आती है कि हाँ कुछ ऐसे मतलब अप्रिय होने वाली है या उसके साथ कुछ होने वाला है, पर पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है, लेकिन मतलब एक वो फीलिंग सी आती है कि हाँ कुछ तो होने वाला है। इसको और बारीकी से ऑब्जर्व करिए, आप पाएंगे कि ऐसा कई बार होता होगा कि ऐसी फीलिंग हो रही कुछ अनिष्ट हो सकता है और नहीं हुआ, बट एक बार भी हमको ऐसी फीलिंग होती कि अनिष्ट हो सकता है और हो जाए तो हमको लगता है हमें कुछ ऐसा पूर्वाभास हुआ है। जी भैया, तो इसमें क्या होता है कि हम खुद से ही बहुत सारी घटनाओं के प्रति आशा प्रत्याशा लगाए रखते हैं, उसका अनुमान बनाए रखते हैं, कभी अनुमान सही होता है, कभी अनुमान सही नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी व्यक्ति से जुड़े होते हैं तो उसकी हर बात पे ध्यान देते हैं, तो उसके साथ बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए, उसके शरीर की स्थिति को देखते हुए हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं और उन सूचनाओं का हम अपने आप में विश्लेषण करते रहते हैं। तो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर हम इतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान हम उस व्यक्ति की ओर दे रहे होते हैं। तो जब कोई ऐसी घटना घटित होने वाली होती है तो आप पाएंगे कि उससे पहले उसने जो कुछ भी डिस्क्राइब किया है उससे हमें यह अनुमान जैसा भी लग रहा होता है। तो इसमें देखने की बात यही है कि ये तो एक घटना है जो घटित हो रही है, ये हो सकता है कि हमने मान लिया है कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसकी संभावना ज्यादा है। नहीं भैया, अगर हम ये चीज मतलब मानते नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला मतलब सेल्फ है वो काफी डिस्टेंस पे है, मतलब ऐसे बहुत दूर है, कभी उससे बात होती है कभी नहीं भी होती है, फिर भी कभी कभी ऐसी चीजें होती है, तो मतलब इसमें कोई एनर्जी भी है कि एक दूसरे सेल्फ, मतलब उस जो पर्सन है, जो वो सेल्फ है, उसके साथ कोई एक एनर्जी से हम रिलेटेड होते हैं, जैसे हम शून्य में कह रहे हैं कि शून्य में जो एनर्जी, जी रिलेटेड तो हरिकाई के साथ है, तो
मतलब उसको एनर्जी के रूप में एक्सप्लेन करें, उसको क्रिया के रूप में एक्सप्लेन करें, अल्टीमेटली हम रिलेटेड हैं, हर इकाई से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। हम ध्यान देते हैं तो उस इकाई की क्रियाशीलता का हमें पता लगता है। तो जैसे एक शब्द यहाँ भी मैसेज में आया है, टेलीपैथी, तो टेलीपैथी ठीक है, मतलब उसमें तो हम एक चैतन्य इकाई दूसरी चैतन्य इकाई के साथ संवाद कर पाता है सुनने के माध्यम से। तो वो ये सब एक तरह से देखें तो कुछ विशेष गुण है जो हम अपने आप में अपना सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ और देखने में आ रही है कि किसी व्यक्ति के साथ पास्ट में घटी हुई घटनाओं को हम पता लगा लेते हैं, उस व्यक्ति के साथ संवाद करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं, बहुत सारे जैसे अगर हम पूरा तंत्र विद्या देखें तो उसमें ऐसा बहुत सारा सिद्धि या कला उसमें रहता है। तो हम एक चैतन्य इकाई दूसरी चैतन्य इकाई के बारे में बिना शब्दों से संवाद किए भी जानकारी ले सकती है, जानकारी दे सकती है, ये सारी संभावनाएं हैं। तो शून्य के माध्यम से हम दूसरी इकाई के साथ परस्परता को जो पहचान और निर्वाह करना कर रहे हैं उसको हम एक प्रकार से प्रयोग करते हैं, कोई विशेष प्रकार से प्रयोग करते हैं तो उसको हम सिद्धियों के रूप में सीख लेते हैं, तो एक अलग चीज है। जैसे टेलीपैथी है या किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर जो भाव विचार चल रहा है उसको जान लेना, या किसी व्यक्ति के साथ घटी हुई घटनाओं को जान लेना। हम उसके भी डिटेल में नहीं जाएंगे क्या क्या विधियां हो सकती हैं इसकी, उसके डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बट ये एक पॉसिबिलिटी है। आप जो कह रही हैं वो इनसे भिन्न है, वो पूर्वाभास है। जी जी भैया, जैसे हम कहते हैं ना कि सिक्स सेंस काम करता है कभी कभी, मतलब किसी चीज को आप और थोड़ा एनालाइज करिए, इसको और थोड़ा एनालाइज करिए, है ना। जी भैया, जैसे कोई व्यक्ति फ्लाइट से जाने वाला है जी, और आपको ऐसा लग लगता है ऐसा ना हो कि कुछ क्रैश हो जाए, कुछ हाईजैक हो जाए, और नहीं होता। जब भी कोई परिवार के सदस्य जाने वाला होता है हमारे अंदर ऐसा भाव विचार हो सकता है कि ऐसा हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, और नहीं होता। बट एक बार भी हो जाए तो हम कहते हैं हमको पूर्वाभास हो गया। जी जी भैया, हमको पूरे सिनेरियो को देखने की जरूरत है कि हमको तो हजार बार ऐसा लगा और 999 बार नहीं हुआ, एक बार लगा और हो गया तो हम कहते हैं कि देखो हमारे को पूर्वाभास हो गया। स्टडी करें, ये जो आपने बात कही ये तो कोई अपने कोई विशेष गुण पा लिया या कोई सिद्धि जैसा बना लिया ऐसा तो नहीं है। ये तो नियरली जो कुछ हमारे अंदर घटित हो रहा है उसका एक विश्लेषण किया, पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि ये एक चांस की बात है कि हमने ऐसा माना था और हो गया, हमने कई बार माना है और नहीं होता। जैसे कोई भी व्यक्ति जो हमें प्रिय है कहीं बाहर जा रहा हो, है ना, या कोई विशेष अवसर पर जा रहा हो तो हमारे अंदर बहुत सारा शंका अनुमान ये सब लगता रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, नहीं होता, हम उसे इग्नोर करते हैं। एक बार भी हो जाए तो हम कहते हैं देखो मुझे पहले से पता लग गया था। जी भैया, इसको और एनालाइज करने की जरूरत है कि मतलब क्या एनालाइज करके ही फिर हम देख सकते हैं कि हम प्री कंडीशनिंग में हैं या फिर अजम्पशंस में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। और एनर्जी से तो सारे मतलब जो भी इकाइयां हैं वो सेल्फ, एक सेल्फ दूसरे सेल्फ से या मतलब जुड़ी हुई है। जी, वो तो जुड़े हुए हैं। और हम शून्य के माध्यम से एक सेल्फ के अंदर जो घटित हो रहा है ना, उसके बारे में कुछ अगर ये विशेष गुण को अगर हम स्टडी करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं तो वो अपने आ सकते हैं, वो गुण हमारे अंदर हो सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल। बट इसमें कुछ खास उपलब्धि नहीं है। तो अभी हम लोग उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिससे निरंतर सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम बन सकता है। बाकी कुछ विशेष गुण जो है वो तो हम कई प्रकार से अपना सकते हैं। बस वही था कि मुझे कि एनर्जी मतलब सेल्फ जो है, एक सेल्फ दूसरे सेल्फ से एनर्जी से रिलेटेड है तो वो उस बात आप कह रही है ना, ये एक अलग बात है। तो जी, ये तो घटना को हटा दे, अब एनर्जी शब्द को भी क्यों लाए, एक सेल्फ दूसरे सेल्फ से रिलेटेड है तो ठीक बात है। जी ठीक है भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। बढ़िया दीदी जी। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, एक थोड़ा सा मुझे ये पूछना था कि जब सेल्फ बॉडी से अटैच है तो सेल्फ अनित्य है, और मतलब बॉडी अनित्य है और सेल्फ निरंतर है। जी, लेकिन जब बॉडी से जब सेल्फ डिटेच हो जाता है तो उसके बाद फिर वो सेल्फ निरंतर है या नित्य है?
जी, तो दिखाई देगा आपको कि शून्य तो क्रिया शून्य है और चैतन्य क्रिया है, तो क्रिया क्रिया के रूप में बनी रही, क्रिया शून्य तो नहीं हो जाएगी, तो निरंतर ही है, नित्य नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब सेल्फ अपना एग्जिस्टेंस में रहेगा। बिल्कुल, चैतन्य इकाई चैतन्य की इकाई के रूप में ही रहती है ना, ऐसा नहीं कि वो क्रिया शून्य हो जाए। जी ठीक है, थैंक यू। बढ़िया भैया, जी का प्रश्न है कि शून्य को ऑब्जर्व करने से हमारे जीने में और संबंधों में क्या डिफरेंस आएगा, समझ के आधार पर होगा, अभी समझे नहीं है, अगर थोड़ा बहुत समझे भी हैं तो पूर्णता में नहीं समझे, वहां पूर्णता हो जाएगी। तो जब हम संपृक्तता को देख पाते हैं तो हमारे अंदर सहस्तित्व का भाव बना रहता है, सहस्तित्व के भाव के साथ ही हम संबंधों का निर्वाह करते हैं। फिर जो सामयिकता में निर्वाह करना है ना, या अनित्य को केंद्र में रखकर निर्वाह करना है, ये नहीं रहेगा। सहस्तित्व की नित्य वर्तमानता के साथ, इकाई के साथ, आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार हम निर्वाह करते रहते हैं। हाँ भैया, नमस्ते सबको। नमस्ते, नमस्ते। मेरा सवाल ये है ना कि जैसे एक सेल्फ है, तो सेल्फ जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो उसकी उसके साथ संस्कार बना रहता है, लेकिन जब हम शरीर की बात करते हैं तो जैसे मेरे को शरीर में जैसे कोई टेस्ट है, तो वो जो ट्रांसफर है शरीर का, टेस्ट का, किसी का स्वाद का या सुगंध का, तो वो क्या शरीर के साथ ट्रांसफर होता है, मतलब जेनेटिक होता है या कुछ ऐसा है क्या? हाँ, आप कह रहे हैं कि कोई शरीर किसी शरीर से उत्पन्न हुआ। हाँ हाँ, हाँ तो ठीक है, तो वो तो शरीर को देखें तो वो बीजानुसंगी की तरह ही है, तो जैसा पिछले शरीर का बनावट है उसके अनुसार इस शरीर का बनावट रहेगा, तो उसमें जो जेनेटिक गुण है वो सारा आएगा, बट वो शरीर तक ही है, उससे मैं का भाव विचार बदल जाए ऐसा नहीं है। तो मैं तो अगर कोई कोएग्जिस्ट करता है तो अपने संस्कारों के साथ कोएग्जिस्ट करेगा, फिर उसके साथ उसका पूरा जीने का स्वरूप होगा। अगर मानव की बात करें तो मानव में शरीर कम प्रभावी है, मैं ज्यादा प्रभावी है, मैं अपने संस्कारों के साथ आचरण करेगा। जैसे हम देखें तो हमारे शरीर की बनावट, कई बार आपको लगेगा कि अगर कोई आपके पिताजी का बचपन का फोटो देखे और आपका देखे तो एक जैसे लगते हैं, तो शरीर का बनावट तो उन सब चीजों से तय हो ही रहा है। जैसे हम पेड़ पौधों में भी देखें तो जो नीम का पेड़ है उससे जो पेड़ तैयार होता है वो नीम का पेड़ की तरह ही दिखाई देता है। तो हमारे जो शरीर की बनावट है ना, उसमें देखें दो हाथ, दो पांव, दो आंख, एक नाक, एक मुंह, और ये सारा कुछ जो शरीर का बनावट है ये तो बिल्कुल ही मानव की तरह ही है। इसमें भी कुछ और जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो भी हमारे जीन से तय हो जाते हैं, शरीर के जीन से। इतना तक तो ठीक है, बट साथ में आप पाएंगे कि सिंपली ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसकी कॉपी हो जाए, उसमें बहुत सारे और फैक्टर शामिल होते हैं जिसको हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते भी हैं। तो इन सारी चीजों के साथ शरीर की बनावट होती है, मैं एक अलग इकाई है, मैं इसके साथ जब कोएग्जिस्ट करता है तो जिन संस्कारों के साथ वो बना हुआ था उन्हीं के साथ कोएग्जिस्ट करना शुरू करता है, बट उसमें भी आप पाएंगे कि क्योंकि शिक्षा संस्कार अनुसंगी है मानव, तो जो परिवार का वातावरण होता है, जो बाहर का वातावरण होता है, जो शिक्षा मिलती है, उससे उसका आचरण तय होता है। जी जी भैया, मतलब ये जैसे पेड़ है तो पेड़ जो बीज अनुसंगी है तो ये जैसा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नीम है तो नीम है, लेकिन ये जैसे मानव का है तो मानव के शरीर की बात करें तो वो मैं के द्वारा अपने शरीर के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकता है, ये उसमें क्षमता है। बिल्कुल, वो तो हो ही रहा है, अभी हम अपना वजन घटा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं ना? और ये भी आपको दिखाई देगा कि जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है हम शरीर को ज्यादा सटीक रूप में, साधन के रूप में देख पाते हैं। तो जहां पहले अपने आप को शरीर मान के जी रहे थे और शरीर से मिलने वाली संवेदनाओं से सुख पाने में लगे थे, शरीर के भोग से ही सुख पाने में लगे हुए थे, अब हमारी दृष्टि सही समझ, सही भाव के आधार पर होती है, तो शरीर का एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हमारा उससे खान पान, रहन सहन तो सारा बदलने लगता है, शरीर के अभ्यास बदलने लगते हैं। जी जी भैया,
ये तो बदलाव में देख रहा हूँ। ये बढ़िया भैया, धन्यवाद। बढ़िया भैया, तो लेक्चर 17 में हम अब ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। तब उन्होंने देखा था कि सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रकटनशील है। प्रकटनशीलता के अर्थ में ये चार अवस्थाएं बनी हुई है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसको पहले भी स्टडी किया था, तो जो पहले हमने स्टडी किया था उसमें स्वयं के ज्ञान को लेकर स्टडी किया था कि जब हम लोगों ने स्वभाव के चिंतन की व्यवस्था के बोध की बात की थी तो हमें नेचर के फोर ऑर्डर्स को ओपन किया था और फिर उसको कनेक्ट किया था सेल्फ के साथ। अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि वो चार अवस्थाएं जो है जिनका एक निश्चित स्वभाव बना हुआ है, निश्चित धारणा बनी हुई है, अनुसंगीयता बनी हुई है, ये सहअस्तित्व का ही प्रकटन है। तो अब सहअस्तित्व के साथ जोड़कर उसको देखेंगे जी। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, इकाइयां हैं जो आकार में सीमित हैं, स्वयं में क्रिया है, अन्य इकाइयों के साथ क्रियाशील है, व्यापक असीम है, क्रिया शून्य है, और ये सारी इकाइयां शून्य में ही संपृक्त है। इकाइयां दो प्रकार से हैं, जड़ इकाइयां, चैतन्य इकाइयां। जड़ इकाइयों में पहचानना निर्वाह करने की क्रिया हो रही है, चैतन्य इकाइयों में जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, ये चारों प्रकार की क्रियाएं हो रही है। तो जो जड़ इकाइयां हैं वो अनित्य हैं, चैतन्य इकाइयां निरंतर हैं और शून्य नित्य है। तो अनित्य का मतलब देश और काल में सीमित, स्थान में भी सीमित, समय में भी सीमित। निरंतर मतलब देश में तो सीमित यानी स्थान में सीमित, काल में निरंतर, हर समय। और नित्य का मतलब देश में भी असीमित, काल में। अगर पूरे ज्ञान की वस्तु को देखें तो एक शब्द में कहें तो सहअस्तित्व का ज्ञान हो जाए, उसमें सब कुछ समाहित है। और फैला कर देखें तो तीन मुद्दे हो गए, जड़ को जड़ की तरह यानी अनित्य को अनित्य की तरह देखना, चैतन्य को चैतन्य की तरह यानी निरंतर को निरंतर की तरह देखना, और शून्य को देखना जो नित्य है। और फैला कर देखें तो पूरी प्रकृति जिस प्रकार से बनी हुई है, चार अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाओं का स्वभाव है, चार अवस्थाओं का धर्म यानी धारणा यानी स्वयं व्यवस्था है, और सहअस्तित्व है, ये नौ मुद्दे हैं कि नहीं। बढ़िया, इस पर कोई प्रश्न हो तो बताइए। ये तो बात हमने विस्तार से किया था। तो दिखता है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, शून्य में इकाइयां संपृक्त है, सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है यानी हर देश में, हर काल में है, हमेशा से था है और रहेगा। ये अस्तित्व है, ये बात कई बार हुई, ये अस्तित्व है, न कि ये कोई क्रिएशन है, कोई रचना है, हमेशा से था है और रहेगा, नित्य वर्तमान है ना। कालाबाद है, काल की कोई सीमा नहीं है, देश की कोई सीमा नहीं है, हर जगह व्याप्त है। फिर ये भी दिखाई देता है कि शून्य बने रहते हुए हर इकाई ऊर्जित है, क्रियाशील है, नियंत्रित है यानी स्वयं व्यवस्था है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, इस प्रकार से अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। फिर ये भी हमने देखा था कि सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है यानी जो कुछ भी हो रहा है उसके आधार में सहअस्तित्व है। ये जो एक निश्चित प्रकार से पहचाना निर्वाह करना हो रहा है जड़ इकाइयों में, सहअस्तित्व पूर्वक ही है। एक निश्चित प्रकार से जानना मानना हो रहा है चैतन्य इकाइयों में, वो सहअस्तित्व के ही आधार पर हो रहा है। हम जैसे ही सहअस्तित्व से अन्य कुछ मान लेते हैं हम दुखी होते हैं, सहअस्तित्व जैसा है वैसा हम देखते हैं हम सुखी रहते हैं। तो नित्य प्रभावी है, तो हर इकाई में उसका प्रभाव दिखाई देता है, छोटे से छोटे परमाणु से लेकर ग्रह गोलों तक, है ना, गैलेक्सी तक, समूचे ब्रह्मांड में देखें तो सहअस्तित्व दिखाई देता है, तो नित्य प्रभावी है। ये भी दिखाई देता है कि सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। तो ये जो चार अवस्थाएं बनी हुई है, तो जड़ और चैतन्य इकाइयों के सहअस्तित्व में ये जो चार अवस्थाएं बनी हुई है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, ये सहअस्तित्व का ही प्रकटन है। यानी सहअस्तित्व पूर्वक ही पदार्थ अवस्था बनी हुई है, प्राण अवस्था बनी हुई है, जीवावस्था बनी हुई है, ज्ञानावस्था बनी हुई है। तो पदार्थ अवस्था में देखें तो परमाणु से ग्रह गोल तक ये सारी जो इकाइयां हैं पदार्थ के रूप में है। प्राणावस्था में देखें तो प्राण कोशिका से लेकर मानव शरीर तक जो ये रचनाएं हैं वो सारी प्राणावस्था में है। जीवावस्था में देखें तो यहाँ पर एक चैतन्य है और एक जड़ है, दो तरह की इकाइयां यहाँ अस्तित्व में है।
तो इनकी जो जागृति है चयन आस्वादन तक है, यह भी शास्त्रित्व पूर्वक ही हो रहा है। और ज्ञानावस्था में देखें तो चयन आस्वादन तो है ही, साथ में तुलन है, विश्लेषण है, चित्रण है। और जब जागृत होते हैं तो चिंतन, बोध, अनुभव की क्रिया भी जागृत होती है। और ये सारा कुछ देखें तो इस शास्त्रित्व का ही प्रकटन है जी। इस पर दोनों डिस्कशन किया था। इतनी बात को लेकर कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि इन पे हमने चर्चा की है विस्तार पूर्वक, तो मैं इसको भी और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। परंतु यदि इसमें कोई बात छूट गई हो जो आपको ध्यान में ना आई हो, या कोई प्रश्न रह गया हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, थोड़ा सा एक बार वो नित्य वर्तमान जो है ना, वो एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए, थोड़ा समझने में कठिनाई हुई। नित्य वर्तमान मतलब हमेशा से था, है और रहेगा। तो इस अस्तित्व का कोई ओरिजिन नहीं है, ना कोई एंड है। अच्छा, तो जो चेंजेस हो रहे हैं अस्तित्व में, वो उनको फिर कैसे देखें? मतलब अस्तित्व ये तो प्रभावी है, उसी आधार पर चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हम अगर अपने पिछले 30 साल 40 साल में देखें तो शरीर की रचना कितनी बदल गई, चेंजेज हो रहे हैं, किस प्रकार हो रहे हैं, शास्त्रित्व पूर्वक हो रहे हैं। तो हर एक कोशिका में पहचाना, निर्वाह करना हो रहा है निश्चित प्रकार से, उसके साथ शरीर का पोषण हो रहा है, शरीर में सारक की क्रिया भी हो रही है, मारक की क्रिया भी हो रही है, कोशिकाएं उत्पन्न हो रही हैं, मर भी रही हैं, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन रही है और खत्म भी हो रही है, और ये बार बार हो रहा है। और इसी प्रकार से शरीर में वृद्धि हो रही है, पुष्टि हो रही है, एक समय के बाद कोशिकाओं में इस तरह से जो बनना है वो रुक जाएगा, शरीर का क्षय हो जाएगा, शरीर वापस मिट्टी में चला जाएगा। ये सब किस प्रकार हो रहा है? एक निश्चित प्रकार से, जो निश्चित नियम बना हुआ है, यही तो मूल नियम तो अस्तित्व है, उसी प्रकार से सब कुछ हो रहा है। ठीक है भैया, मतलब ये है कि वो परंपराएं रहेंगी, जैसे आम के पेड़ की परंपरा है तो परंपरा रहेगी और वो बाकी पेड़ वो नहीं रहेगा, ऐसा है जी? जैसे आम का पेड़ है भैया, तो आम का पेड़ परंपरा रहेगी, क्योंकि वो पेड़ बीज से पेड़ बनता है, फिर वो खत्म हो जाता है, तो एक साइकिल सा चलता रहता है, लेकिन वो परंपरा रूप में तो आम रहता ही है, वो पेड़ भले ना रहे, तो ऐसे देखना। देखिए, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि धरती पे आम के पेड़ उत्पन्न होते रहेंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। अभी बात हो रही है कि जो बिहार और ईस्टर्न यूपी में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ गया है, 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है ना, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो हो सकता है कुछ समय बाद 50, 55, 56, 60 डिग्री तक भी कहीं ना टेम्परेचर चला जाए। तो अगर हमने प्रकृति का दोहन करते चले गए तो नहीं रहेंगे फिर, तो ये हो सकता है हम धरती को आपस में लड़कर या इसका शोषण करके आग का गोला बना दें। परंतु जिन परमाणुओं से ये आम का पेड़ बना हुआ है, ये रहेंगे, भले ये आम के पेड़ के भाग के रूप में रहे या आग के गोले के भाग के रूप में रहे, इनका अस्तित्व बना रहेगा, ये निश्चित है। तो धरती पे मानव जाति बनी रहेगी, पेड़ पौधे बने रहेंगे, पशु पक्षी बने रहेंगे, कोई निश्चित नहीं है, बट इनका अस्तित्व बना रहेगा। जिन परमाणुओं से मिलकर ये जड़ इकाइयां बनी हुई हैं, उनका अस्तित्व बना रहेगा। चैतन्य इकाइयां जो निरंतर हैं बनी रहेंगी, बट हम किसी शरीर के साथ अस्तित्व में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, ये निश्चित नहीं है। ठीक है भैया, ये काफी क्लियर हुआ। तो वही नित्य वर्तमान का मतलब है ये था, है और रहेगा, और बाकी नित्य वर्तमान मतलब अस्तित्व था, है और रहेगा, है ना। अब अस्तित्व में जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं इसी रूप में रहेंगी, निश्चित नहीं है। बढ़िया भैया, ठीक, थैंक यू जी। तो अगर नीम का पेड़ भी देखें तो आज जिस तरह की रचना है, आज से 1 लाख वर्ष पहले हो सकता अलग प्रकार की रचना रही हो। अभी जिस प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाते जा रहे हैं, तो पेड़ पौधों में भी जो श्वसन हो रहा है उसमें जो क्रियाशीलता है उसमें बदलाव आ सकता है, पेड़ पौधों के गुण में बदलाव आ सकता है। तो अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता और ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होते, तो पेड़ पौधों में जो हवा का आदान प्रदान हो रहा है वो एक प्रकार से होगा। अब ये गैसेज मिल गई हैं तो अलग प्रकार से होगा। जैसे आप देखिए तो कोई पेड़ हो और किसी सड़क किनारे है और वहाँ बहुत प्रदूषण है, तो उस पेड़ का ग्रोथ दिखाई देता है कि अलग तरह से होता है। वहीं
जहाँ पे शुद्ध हवा है तो अलग तरह से होता है, जहाँ पानी कम है वहाँ अलग तरह से होता है, जहाँ पानी ज्यादा अलग तरह से होता है, पेड़ पौधों का रंग, उनका साइज, ये सब बदलने लगता है, उनमें जो फल फूल आते हैं बदलने लगते हैं, ये सारा रचना विरचना तो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, उनका नियम निश्चित है, ये जो पहचाना निर्वाह करना है उसके आधार पर ही होगा, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे मानने की क्रिया होने लगे, ऐसा नहीं होगा, जो नियम है वो बना रहेगा। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया जैसे हिल स्टेशंस या सी बीचेस को देखने और नेचुरल ब्यूटीज को देखने के लिए हम संवेदनाओं के स्तर पर जाकर उससे खुश महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो ये तो एक सुपरफिशियल संवेदना का स्तर हुआ। इनेटनेस और नेचुरल एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस के स्तर पर संबंध के रूप में मैं इसका किस प्रकार से आकलन कर सकता हूँ? क्यों अच्छा लगता है मुझे जैसे उड़ते हुए पक्षियों को देखना या नेचर को देखना, उस संबंध को मैं गहराई में अगर स्वयं को समझना चाहूं तो कैसे रिलेट करता हूं संबंध रूप में मैं? ये मुझे क्यों? जी हम अपने अंदर भाव को देख सकते हैं। एक संभावना तो ये है कि घर में हम बैठे हुए हैं और हमें जिस प्रकार से हम जी रहे हैं अभी उसमें सुख की निरंतरता नहीं बन पा रही जी, तो उससे बाहर निकलने के लिए हम कोई बाहर से संवेदना पाकर सुखी होने जा रहे हैं, एक संभावना ये है जी। दूसरी संभावना ये है कि हमें पेड़ पौधे पशु पक्षियों के साथ संबंध दिखाई दे रहा है तो हम कुछ भागीदारी करने जा रहे हैं जी, तो ये भी हो सकता है। या हम जिन लोगों के साथ अभी निर्वाह कर रहे हैं सीमित लोगों के साथ, हम धरती के दूसरे क्षेत्रों में लोगों के साथ जाकर संबंध के निर्वाह करने के लिए योजना कार्यक्रम बना रहे हैं, तो हमको खुद ही देखना होगा कि मेरा पर्पज क्या रहा है। भैया इन दोनों से जैसे डिफरेंट पाते हैं कि संबंध के रूप में निर्वाह निर्वहन तो ठीक हो रहा है पर उसको अलग से और एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि इन दोनों से डिफरेंट मुझे तो लगता है कि डिफरेंट है कि एक दूसरा डायमेंशन स्वयं का एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, पर वो अगर सपोज नहीं भी जा रहे हैं बाहर जी और उसको देख लें ना जी, तो मैंने कहा ये सारी संभावनाएं हैं बट हमारा पर्पस क्या है वो हमें देखना होगा जी। इवन मैं अगर ये घर की छत पर भी बैठकर आकाश की ओर देखते हुए उड़ते पक्षियों को देखता हूँ या मौसम जो है थोड़ा प्लेजेंट जो कि मेरी बॉडी के लिए अपीलिंग है, संवेदना स्तर पर तो है ही है, वो तो समझ में आ रहा है, उसको और गहरे स्तर पर माइक्रो लेवल पे मैं मेरा उससे संबंध किस प्रकार से गहरे स्तर पर बना हुआ है जिसको लेके मैं आनंदित महसूस करता हूँ या अच्छा महसूस करता हूँ, ये माइक्रो लेवल पे मैं समझना चाह रहा हूँ जी। जी माइक्रो लेवल पे बात हो रही है कि अभी हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के बाहर खुली हवा में बैठते हैं जी, इस तरीके से स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, घर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हम रात भर वहां सोते रहे जी, हम बाहर निकलते हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है जी, तो जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो उससे हमारे शरीर के स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है जी, एक बात है ना जी, तो हमें खुद ही देखना होगा कि हम जब भी कोई काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है जी। तो बाहर इसे निकल के बाग ये घर के लोगों को देखे तो बोर हो जाते हैं, तो एक अलग तरह का पर्पस है, इसे निकल कर आए कि सुबह आंख खुली है कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए उदाहरण के लिए, एक अलग तरह का पर्पस है जी, इसलिए आगे ताकि शरीर का स्वास्थ्य बना रहे, एक तरह का पर्पज है, इसलिए आगे ताकि सुबह सुबह लोगों के साथ ग्रीट करें, उनको मिले जुले, उनसे नमस्ते करें, एक और तरह का पर्पज है जी। तो हमें खुद ही देखना होगा कि हम जो भी कार्यक्रम बना रहे हैं उसके पीछे पर्पज क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है जी। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कार्यक्रम करें मतलब बनाएंगे और उसके पीछे फिर हम अनुमान लगाए कि सहज स्वीकृति कैसे हो सकती है, ऐसा नहीं है, ये उल्टा काम हो गया। अगर सहज स्वीकृति के आधार पर निर्णय लिया है तो उसको वैसा देखेंगे, अगर किसी मान्यता के आधार पर लिया है तो वैसा देखेंगे, संवेदना के आधार पर लिया है तो वैसा देखेंगे। तो मामला ये नहीं है कि कुछ भी हम करें उसको सहज स्वीकृति के साथ जोड़कर हम उसको एनालाइज करें, नहीं, जैसा है वैसा देखेंगे जी। दूसरा प्रश्न भैया, अगर ये कि जो चार ऑर्डर्स हैं उसके अंदर जो आपस में भी इवोल्यूशन का कनेक्ट है ऐसा
जीवन मध्यस्थ दर्शन में किसी उसमें वीडियोस में सुना था, तो क्या उस चर्चा को आगे लेंगे या अभी आप कुछ चाहेंगे स्पष्ट करना कि जैसे जो फिजिकल ऑर्डर है उससे प्लांट ऑर्डर में जो कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे एटॉमिक लेवल पे उसका जो शिफ्ट ट्रांजिशन हो रहा है उससे फिर कॉन्शियस लेवल तक हम पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में अगर वो सतत कॉन्शियस लेवल उस स्टेट को अटेन कर लिया कॉन्शियसनेस की उसको निरंतर रूप से बना के रखेंगे तो क्या इस तरह का भी मैकेनिज्म है व्यवस्था में या वही वो फिजिकल ऑर्डर जी है ना जो आप कह रहे सारी बात पे चर्चा तो हो चुकी है जी। तो इकाइयों में रचना विरचना हो रही है तो जड़ इकाइयों में भी देखें तो पदार्थावस्था से प्राणावस्था के बीच में चक्रियता बनी हुई है, पदार्थावस्था से प्राणावस्था बन रही है, प्राणावस्था वापस पदार्थावस्था में लौट रही है, बट परमाणु के लेवल पे रचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। परमाणु का परमाणु के साथ जुड़कर जो अणु बनना है अणुओं का अणु से बनकर जो रस बनना है उस रस के आधार पर हो रहा है उतना भर है जी, है ना। और एक संभावना ये है कि किसी गठन जो परमाणु है जो जड़ इकाई का एक परमाणु है उसके गठन में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए कि चैतन्य हो जाए, इसको कई बार बात की संभावना के रूप में तो है जी 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 जी। अभी देखिए अभी थोड़ा सा क्या है ना कि अभी हम जहाँ खड़े हैं अभी वहां से देखना शुरू करें, नहीं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे ना कौतूहल के तो बने रहते हैं बट हमारा जीने पर ध्यान नहीं बनता जी, तो जीना तो अभी हमारा उन्हीं मान्यताओं संवेदनाओं में हो रहा होता है परंतु विचार में बहुत सारे मुद्दों को जोड़ लेते हैं। तो इसलिए जो अभ्यास एक और दो कर रहे हैं कि भाई हमारा अभी जैसी स्थिति है हमारे जीने की उस पर ध्यान दें हम, है ना जी। ये सारे बातें है ना हमें प्रस्ताव रूप में मिलती हैं, हम उसे कई बार सुनते भी हैं बट हमारे ध्यान से ओझल हो जाती है क्योंकि अभी हमारे से विचार रूप में है। जब हमारे जीने का स्तर वहां पहुंच जाता है जहां हम इन वास्तविकताओं को जैसा है वैसा देख सकते हैं फिर ध्यान में बनी रहती है जी। जी भैया जी जी बिल्कुल भैया जिन सारे मुद्दों पे बात हुई है ना जी जी भैया धन्यवाद भैया नमस्ते जी नमस्ते। तो प्रकृति में देखें तो चार अवस्थाएं हैं पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। और पदार्थ अवस्था में देखें तो सिर्फ पहचानना निर्वाह करना है, ये बात मुझे लगता है हम सभी को स्पष्ट होगा परंतु जो लोग सीधे इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप करके जुड़े हैं उनके साथ इस पे और बात कर सकते हैं कि पदार्थ अवस्था में सिर्फ पहचाना निर्वाह करना हो रहा है, प्राणावस्था में सिर्फ पहचाना निर्वाह करना हो रहा है, जीवावस्था में देखें तो एक मैं भी है और एक शरीर भी है, तो मैं में मानना पहचाना निर्वाह करना हो रहा है, शरीर में सिर्फ पहचाना निर्वाह करना हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि इससे बहुत सारे प्रश्नों का हमें उत्तर भी मिलता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई इकाई पेड़ पौधे की श्रेणी में है यानी प्राणावस्था में है या जीव है। तो उसकी एक पहचान तो है कि उसे मानने की क्रिया दिखाई देगी तब तो वो जीवावस्था में है, अगर मानने की क्रिया नहीं है फिर प्राणावस्था में ही होगा। दूसरी बात यह है कि जो प्राणावस्था इकाइयां हैं उसमें कोई समृद्ध मेधस जैसी रचना नहीं दिखाई देती, जबकि जीवावस्था में देखें तो मेधस जैसी रचना दिखाई देगी और एक ऐसी स्थिति में दिखाई देती है जिससे एक मैं सहस्तित्व में रह सकता है। तो इस पूरी स्पष्टता के साथ आप पाएंगे कि जो हमारी पूरी परंपरा में अनुमान लगाया गया या फिर जो अभी प्रिवलेंट साइंस में जो बातें कही जा रही हैं उन सब पे हमको क्लैरिटी मिलती है। तो पेड़ पौधों में जीवन है ऐसा नहीं है, लाइफ है ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं कि पेड़ पौधों में लाइफ है, पेड़ पौधों में फीलिंग्स होती हैं, तो ये कन्फ्यूजन सा बना हुआ रहता है। इसलिए हम जब बारीकी से एनालाइज करने जाते हैं तो हमारे पास सटीक उत्तर नहीं मिलता। तो कोई कह सकता है जब पेड़ पौधों को खा सकते हैं तो फिर पशु पक्षियों को क्यों नहीं खा सकते, लाइफ यहाँ भी है वहाँ भी है, वहाँ हत्या कर ही रहे तो यहाँ भी हत्या कर सकते हैं, और फिर हत्या को फिर यहाँ क्यों रोकेंगे, फिर आगे बढ़ के मानव के साथ क्यों नहीं कर सकते, यहाँ भी लाइफ है, पेड़ पौधों में भी लाइफ है, पशु पक्षियों में भी लाइफ है। तो लाइफ को हमने समझा नहीं है अभी तक ढंग से, इसलिए ये प्रश्न ये कन्फ्यूजन बना रहता है। अब इससे आप देखें तो एक दूसरा जो कन्फ्यूजन तैयार होता है कि मेरा जो जीना है वो संघर्ष पे ही आधारित है, मतलब मुझे जीना है तो किसी को मरना होगा, अगर मुझे सस्टेन करना है मेरे लाइफ को बना के रखना है तो किसी की लाइफ को डैमेज करना होगा, ये और घातक कंक्लूजन है। ये जो एक मान्यता बन जाती है फिर हम उससे बहुत सारे और निष्कर्ष निकाल लेते हैं
फिर हम इस बात को जस्टिफाई करते हैं, अल्टीमेटली स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है, पेड़ पौधे हैं, हमसे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए हमको काट के खा जाते हैं, है ना। तो यही बात मानव के साथ भी हमको उचित लगता है। तो फिर हमको लगता है कि पूरा जो नेचर का बनावट है वही संघर्ष आधारित है। इनफैक्ट इस पूरी चर्चा में जो हम नेचर को लेकर कर रहे हैं, ये जो सेल्फ को समझना ये कोर इशू है। सेल्फ को ना समझें तो नेचर को लेकर ये भ्रांतियां बनी रहती हैं। एक तो हमारा नेचर के साथ जीना कैसे हो ये क्लियर नहीं होता है ना। दूसरे हम बहुत सारी भ्रामक स्थितियां बना लेते हैं अपने अंदर, जिससे हम बहुत सारे गलत निष्कर्षों में पहुंच जाते हैं कि नहीं। तो अगर हम अभी भी देखें तो समाज में जो कुछ चल रहा है, अगर लोगों से बात करें, इन मुद्दों पे पढ़े लिखे लोग हों अनपढ़ हो, सभी इस मुद्दे पे कंफ्यूज हैं कि लाइफ है क्या, पेड़ पौधों में लाइफ है कि नहीं, पशु पक्षियों में लाइफ है कि नहीं, कीट पतंगों को कहाँ रखेंगे, टिड्डों को कहाँ रखेंगे, चींटी मच्छर को कहाँ रखेंगे, मक्खी को कहाँ रखेंगे, जीवावस्था में रखेंगे, प्राणावस्था में रखेंगे। तो ये जो सामने स्लाइड है, अगर इसको ठीक से स्टडी किया जाए तो सारे मुद्दों पर क्लैरिटी बन जाती है। जीना किसको कहते हैं, लाइफ किसको कहते हैं, तो लाइफ ग्रोथ को कहेंगे तब तो पेड़ पौधों में भी है, बट लाइफ यदि सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस को कह रहे हैं तब तो एनिमल ऑर्डर में है या ह्यूमन ऑर्डर में है। ये अगर हम सभी को स्पष्ट है तो बहुत अच्छी बात है। आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ये सारे मुद्दे स्पष्ट है, नहीं तो आप हैंड रेस कर ले, क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यदि ये मुद्दे क्लियर नहीं होंगे, या ये सत्र जब पूरा भी हो जाएगा ये बैच, और ये मुद्दे स्पष्ट नहीं होंगे, तो आप पाएंगे हमारे में बहुत सारे गहरे संस्कार बने रह जाते हैं। ये हमारे चित्रण में काम करता रहता है कि अल्टीमेटली एक व्यक्ति का जो जीना है वो दूसरे के मरने पर आधारित है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो पशु पक्षियों के साथ भी हो सकता है, पेड़ पौधों के साथ तो हमने मान ही लिया है, तो मानव के साथ क्यों नहीं। तो एक तरह की आबादी को अगर जीना है तो दूसरी आबादी को मरना होगा। फिर अधिक से अधिक हम उसमें न्याय की बात कर ले, है ना, तो हम क्वालिटेटिव को शिफ्ट नहीं ला पाते, बस कहते हैं कि नहीं ये मानव के साथ गलत है, हम उसको बाय फोर्स कहते हैं कि मानव के साथ गलत है, बट उसका कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है, क्योंकि हमने मूल रूप से बहुत सारी गलत चीजों को मान लिया है। जी अगर ये बात स्पष्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे हम लोग जो भी प्रश्न बनते हैं उसको पूछ लें। इस स्लाइड पे हम लोग और समय लगा सकते हैं इस बात की स्पष्टता के लिए। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, वही बात फिर से हो रही है पेड़ पौधों वाली, इसके पहले भी मैंने प्रश्न किया था, अभी आपने जो एक वर्ड यूज किया है कि पेड़ पौधों में लाइफ नहीं है, ऐसा अपने को, तो ये नई पीढ़ी को अगर हमने ये बता दिया कि लाइफ नहीं है, तो नई पीढ़ी जो है जहाँ लाइफ है उसमें थोड़ा समझ सकते कि इसको मारना नहीं, लेकिन लाइफ नहीं है ऐसा अगर सरेआम हमने मानना जानना शुरू कर दिया तो पेड़ की कटाई हो जाएगी ना भैया, पूरे के पूरा पूरा नेचर इम्बेलेंस हो जाएगा, तो उसके लिए ये भी ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि बिल्डिंग में लाइफ नहीं तो कल से बिल्डिंग ढहाने लगेंगे, क्यों ढहाएंगे, जरूरत होगी तो ढहाएंगे। ऐसा नहीं कि तो बिल्डिंग में लाइफ नहीं, सभी जानते हैं, कहते भी हैं जी, तो कहाँ बिल्डिंग तोड़ने लगते हैं, नहीं तोड़ते हैं, बना हुआ अच्छा है, काम आ रहा, पेड़ पौधे बने हुए हैं। अभी कल योग दिवस पे एक व्यक्ति आए थे संस्थान में जिनको ग्रीन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं जी, तो वो बता रहे थे कि ऐसा स्वीकारा गया है वर्ल्ड ओवर कि प्रति व्यक्ति 500 पेड़ होने आवश्यक है शरीर को स्वस्थ बने रहने के लिए, और भारत में अभी 28 पेड़ है मात्र प्रति व्यक्ति जी। तो ये बात हमको समझ में आ सकती है, जब हमको प्रकृति की पूरकता समझ में आती है तो दिखता है कि हाँ देखो हमने कितना दोहन कर लिया, कि जहाँ इतने सारे पेड़ होने चाहिए थे हमने मात्र इतने ही पेड़ों को रखा है, तो हमें पेड़ लगाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो भोजन के बगैर तो हम महीने भर तक रह सकते हैं, पानी के बगैर हम कहिए 3-2-4 दिन तो रह ही सकते हैं, बट सांस लिए बगैर तो 3 मिनट से अधिक नहीं रह पाएंगे। जी तो भैया पेड़ पौधे कम होते जाए, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों में लाइफ नहीं है तो सबको काट पीट के खत्म कर देंगे, क्यों खत्म करेंगे, हमारे शरीर के पोषण में काम आ रहा है। जी नहीं, मेरा एक जस्ट ऐसे ख्याल आया था या ये थोड़ा सा सोचना हो रहा उसके ऊपर कि जैसा सदियों से मानते आ रहे कि पेड़ पौधों में लाइफ है ना, पहले से ही है, बचपन से, जैसे मैं अभी 50-55 साल का हो गया हूँ समझो,
तो उसको लाइफ मान के हम उसको डेवलप कर रहे, उसको लगा रहे, उसको रख रहे। लेकिन अभी जो ये बिल्डिंग वाला आपने एग्जांपल दिया, और मैं भी मतलब बिल्डिंग रिलेटेड हूँ, तो बिल्डिंग बनाते जा रहे और उस वक्त वो पेड़ को तोड़ते जा रहे, तो उसमें थोड़ा सा ये लाइफ वाला कंसेप्ट जो है वो अगर हम मानने लगेंगे, तो ये जो आपने बताया 2800 और 500 की जरूरत है, तो ये थोड़ा बढ़ने लगेगा क्या भैया? अगर ऐसा हमने सोच की बात कर रहे हैं, मतलब मानना ये देखिए पेड़ पौधों की जरूरत है हमको, ये बात तो अलग से स्पष्ट हो सकती है। तो पेड़ पौधों में लाइफ नहीं है ये कहना अपूर्ण है, तो जिसमें लाइफ नहीं है उसकी भी हमें आवश्यकता है कि नहीं, ये बात हम देख सकते हैं। जैसे हमारे शरीर को पदार्थ की भी जरूरत है जी, है ना, तो पदार्थ को बनाए रखेंगे, पेड़ पौधों की जरूरत है, पेड़ पौधों को बनाए रखेंगे, पशु पक्षियों की भी जरूरत है। इस पे पहले भी चर्चा हुई थी कि अगर नेचर से हम पशु पक्षियों को कहीं पे कम कर दे या जंगल किसी भाग से हटा दे तो जंगल लुप्त होने लगता है, खत्म होने लगता है जी बिल्कुल। कीड़ों को मार दे, पक्षियों को मार दे, तो जंगल या फसल खराब होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर इस बात को हम दिखा पाते हैं कि इसमें लाइफ नहीं है तो लोग इसका दोहन करेंगे, हो सकता है और ठीक से संवर्धन करें, क्योंकि अभी तो माने हुए थे कि हमारा जीना संघर्ष पर आधारित है, तो संघर्ष के तहत कर रहे थे। अब दिखता है कि संबंध है इनसे मेरा, इन पॉपुलर पौधों से भी मेरा संबंध है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब वो लाइफ उसमें नहीं है लेकिन मेरा संबंध है, इसलिए मुझे इसको बचा के रखना है ताकि मेरा नेचर बचा रहे। बिल्कुल जी भैया, जी जी जी, बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद भैया, नमस्ते। जी नमस्ते। प्रश्न है, हाँ, लाइफ का मतलब हुआ कि सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस। तो जो जीने की आशा है वो पशु पक्षियों में तो है, हम में है, पेड़ पौधों में नहीं। तो लाइफ अगर जीना कहें तो जीना तो पशु पक्षियों में है, मनुष्यों में है, पेड़ पौधों में नहीं। पेड़ पौधों में वृद्धि हो रही है, पुष्टि हो रही है, रचना विरचना हो रही है, श्वसन हो रहा है, इतना ही है। जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। अगर हम ये पेड़ पौधों से लेके सभी ऑर्डर को कि मैं स्पष्ट हो पाए और इसकी परस्पर पूरकता को समझ पाए, तो फिर हम स्पष्ट हो सकते हैं और इनके साथ ठीक ठीक संबंध पहचान सकते हैं और निर्वाह कर सकते हैं। तो अगर सभी ऑर्डर को देखें, ये तीनों ऑर्डर जो है वो अपने नियमों के आधार पर चल रहे हैं। सिर्फ मनुष्य ही है जो इनका इनके साथ संबंध को पहचान नहीं पा रहा है। संबंध तो बना ही हुआ है, हम इनके साथ हमारा संबंध है, हम सब्जियां खा रहे हैं, हम पेड़ पौधों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम अभी इनके प्रति जिम्मेदार नहीं है, हम उसमें स्पष्ट नहीं है। तो अगर मनुष्य की समझदारी बढ़ जाएगी तो ये जैसे इनके नियम है उन नियम के अनुसार जो है हम भी चल पाएंगे, और हम चल पाएंगे तो इनकी जो परस्पर पूरकता है उसका निर्वाह हो पाएगा और प्रकृति भी बच पाएगी। अभी प्रकृति के डिस्टर्ब होने का कारण यही है कि हम इसमें अपने को पहचान नहीं पाए हैं, इसलिए हमने इसका अति दोहन कर दिया है और उससे प्रदूषण और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन जब हमें ये स्पष्ट हो जाएगा तो हम ठीक ठीक निर्वाह कर पाएंगे। और मनुष्य ही है जो इस सारी प्रकृति का चाहे शोषण करे और चाहे उसका संरक्षण संवर्धन और सदुपयोग करे। तो समझ आ जाएगी तो हम संरक्षण संवर्धन और सदुपयोग की ओर बढ़ेंगे। इतना ही भैया शेयर। जी बढ़िया भैया, बिल्कुल। तो जो हमको इनसे संबंध दिखाई देता है तो हम इनका ठीक से संवर्धन कर पाते हैं, संरक्षण कर पाते, सदुपयोग कर पाते। नमस्ते भैया। नमस्ते, आवाज आ रही है भैया? जी आ रही है भैया। अभी आप बात कर रहे थे ना, मॉस्किटो हो गए, मच्छर हो गए, वो किस ऑर्डर में आएंगे? ह्यूमन ऑर्डर में आएगा या एनिमल ऑर्डर में? मुझे ऐसा लगता है कि वो एनिमल ऑर्डर में ही आना चाहिए। देखिए लगने से नहीं होगा, उसको हम देखें उसमें सेल्फ है कि नहीं, उसमें मानने की क्रिया है कि नहीं। नहीं, एनिमल ऑर्डर में आएगा भैया। सेल्फ, हाँ सेल्फ तो है, बट एज्यूमिंग तो है उसमें, नोइंग नहीं होएगा, बट एज्यूम तो करता है। जैसे हम हाथ से उसको दूर भगाते हैं तो वो दूर जाता है, अगर उसमें वो अंडरस्टैंडिंग
नहीं होती तो वो हमारे पास आता होता है ना, जैसे हम कुछ एक्शन करते हैं उसकी वजह से वो उसको कुछ सेंसेशन होता है और वो दूर जाता है। ये मानने के आधार पर हो रहा है, पहचानने के आधार पर हो रहा है? Assuming, मेरे हिसाब से वो assume तो कुछ कर रहा है, तभी वो उसको लग रहा है कि कुछ hindrance आ रहा है या मुझे कुछ नुकसान हो सकता है, उसकी वजह से वो दूर जाता है, नहीं तो वो हम हाथ से उसको दूर भगाएं तो भी नहीं जाएगा ना, वो हमारे पास आएगा। क्यों, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि हम assume कर रहे हैं कि वो assume कर रहा है ना। तो तीसरी संभावना ये है कि बायो ऑर्डर में हो, ना तो ह्यूमन ऑर्डर में ना एनिमल ऑर्डर में, बायो ऑर्डर में। तो उसको और देखें, एक तो अज्यूमिंग की एक्टिविटी है, और वैसे उसको हम अगर रूप गुण के स्तर पे भी देखने जाएं तो मच्छर मक्खी में आपको कोई ब्रेन जैसी इकाई नहीं दिखाई देगी, कोई ऐसा भाग शरीर का जिससे मैं अस्तित्व में रह पाए, ऐसा नहीं दिखाई देगा। तो मतलब इसका तो ये बीच वाला ऑर्डर भी होना चाहिए उसके हिसाब से? नहीं, बायो ऑर्डर में, बायो ऑर्डर में, बायो ऑर्डर में ऐसी इकाइयां भी हैं जो स्वयं से गति नहीं करती, ऐसी इकाइयां भी जो स्वयं से गति करती हैं। अच्छा अच्छा भैया, ठीक है। चींटा, कीट, पतंग है ना, इन्हें देखें, कोई उड़ता भी है इनमें, कोई जमीन पे चलता है, कोई एक जगह बना रहता है, अलग प्रकार की रचनाएं हो रही हैं इसमें। ओके, हम अभी तक प्लांट्स ही सोचते रहे कि प्लांट्स और ट्रीज ही आते हैं बायो ऑर्डर में, बट ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं वो बायो ऑर्डर में को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर ले हमको, हम लोग उससे हमारे को आगे समझने में, जीने में इसमें एक अनुकूलता बनेगी। ओके भैया, तो पेड़ पौधे भी हैं, कीट पतंग भी हैं, मछलियों को भी देखे, छोटी मछलियां हैं वो भी बायो ऑर्डर में, बड़ी मछलियां हैं जैसे डॉल्फिन, व्हेल, इस तरह की शार्क, उसमें आपको शरीर में ब्रेन जैसा भाग दिखाई देगा, है ना, आप उनको पाएंगे कि उसको हम ट्रेन कर पाते हैं, डॉल्फिन को लोग ट्रेन कर लेते हैं कि नहीं, तो उसमें कोई सेल्फ है तभी तो ट्रेन कर ले रहे हैं, पर छोटी मछलियां को देखें तो उसमें ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह से हमको अपना आहार भी स्पष्ट हो पाता है ना, कि हम कहां से ले सकते हैं कहां से नहीं ले सकते। बट भैया, आपने अभी मछलियों की बात की तो मैंने एक चीज नोटिस की है, हमारे घर में छोटा फिश टैंक है, तो उसमें जैसे हम सुबह खाना देते हैं फिशेस को, तो वो कहीं पे भी हो, जहां से उनको खाना मिलता है सारे उस जगह आ जाते हैं उस टाइम पे, है ना, वो पैटर्न में निर्वाह करना ही है। तो होता क्या है कि जिस प्रकार का प्रभाव पड़ता है जो आपके हाथ पांव हिलने से है ना, पहचान निर्वाह करना होता है, वो टाइम भी उनको अंदाजा है कि किस टाइम पे दिया जाएगा, वो सारे जगह पे आ जाते हैं। वही देखिए ना, सूरजमुखी का जो पौधा है, सूरजमुखी का जो पौधा है, सूरज की रोशनी निकलती है और उधर घूम जाता है। हाँ हाँ, सही बात, टाइम पे अंदाजा है ना, बट ऐसा नहीं है, वो परस्पर प्रभाव है, जो सूरज की गर्मी है उसका प्रभाव है जिससे वो घूम जाता है उधर। अभी पेड़ पौधों की बात चल रही थी ना, तो मेरा ध्यान गया, अभी हम ना बद्रीनाथ जो उसी मठ वगैरह घूमने गए थे दो फैमिलीज ना, तो मुझे यही लगा कि किसी भी चीज को अगर हम खाली सौंदर्य के रूप में देखते हैं ना, कि प्रकृति को जैसे हमने सौंदर्य के रूप में देखा, तो जब हम किसी चीज को सौंदर्य के रूप में देखते हैं तो हम उसका शोषण करते ही हैं। मेरा ध्यान गया कि देखो हम इतनी दूर आ गए हैं, कितना हमने प्रकृति का शोषण किया है, वहां पे पहाड़ों पर काम चल रहा है, होटल बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, ये जितना भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये केवल हम लोगों के लिए ही चल रहा है कि लोग घूमने आते हैं यहाँ पर, उनको अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो वो घूमने नहीं आएंगे। तो ये ध्यान गया कि हम किसी भी चीज को जब सौंदर्य के कपड़े को सौंदर्य के रूप में देखते हैं तो हम शोषण करते हैं, किसी भी चीज की सुंदर अगर उसकी उपयोगिता को देख लेते हैं तभी उसका सदुपयोग कर पाते हैं, और किसी भी चीज की उपयोगिता को देखने के लिए मुझे अपने आप को ही समझना जरूरी होता है, अल्टीमेटली बात यही निकल कर आती है। ये मेरा एकदम से कल ध्यान गया कि अभी हम सोचते हैं कि प्रकृति को मैं प्रेम करता हूँ तो मैं पहाड़ों पे घूमता हूँ, मैं पेड़ पौधों, मैं जंगलों में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ,
कि ये मेरी सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। तो किसी के फिजिकल से, फिजिकल सौंदर्य माने फिजिकल बाहरी ब्यूटी से हम जब अट्रैक्ट होते हैं तो हम शोषण करते हैं उस चीज का, लेकिन अगर उपयोगिता को समझ लेंगे, जैसे अभी आया था ना कि पेड़ पौधों की उपयोगिता, अगर हम उपयोगिता को समझ लेंगे तो हम उसका संरक्षण करेंगे, पोषण करेंगे, संवर्धन करेंगे। बस मुझे यही कहना था जी। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि मुख्य मुद्दा सौंदर्य का नहीं है, मुख्य मुद्दा है कि हम जो संवेदना से सुखी होने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सुंदर लग सकती है ना, पर इसका मतलब नहीं कि प्रकृति का दोहन करेंगे। तो जब हमें प्रकृति के साथ संबंध दिखाई देता है तो उसका पोषण करते हैं, दिखाई देती है तो ब्यूटी और ज्यादा निखर के आती है। सही बात है जी। तो सौंदर्य मुद्दा नहीं है, ये जो संवेदना से सुखी होने का जो अभ्यास है ये मुख्य मुद्दा है। बिल्कुल जी। और उपयोगिता में भी देखें तो अल्टीमेटली उपयोगिता अगर लगेगी तो भी हो सकता है हम जाके उसका दोहन करने लगे। तो उपयोगिता अपनी उपयोगिता को समझने के बाद ही सबकी उपयोगिता समझ में आती है, रेफरेंस तो अपना ही है। जी सही बात। थैंक यू भैया जी। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। भैया जैसे कुछ पदों में मतलब एक स्पिरिचुअल एक होलीनेस का वो जोड़ देते हैं, जैसे पीपल का पौधा हुआ या फिर तुलसी का पौधा हुआ, तो जैसे तुलसी को हम वैसे वो हमारे शरीर के लिए है ना सारक है, तो मतलब इसलिए हम उसके पत्ते को खाते हैं, लेकिन ये भी फिर मान्यता है कि उसको चबा के नहीं खाना, चबा के खाने से वो मान्यताएं हैं कि पाप लगता है। तो ये सब चीजों को भी थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी। और पीपल का पेड़ काटना नहीं है, तो काटने से मतलब कुछ भी गलत हो सकता है, तो ये सब मान्यताएं हैं या इसमें कुछ लॉजिक है भैया? जी लॉजिक तो है दीदी। समाज में जब हमें कोई मैसेज देना होता है और हमें लगता है कि अभी शिक्षा इस विधि से स्थापित नहीं हुई है कि हर व्यक्ति जांच के समझ के सही जी पाएगा, तो हम फिर कुछ मान्यताओं को स्थापित करते हैं कि चलो इसी तरह से कम पेड़ पौधे बचे रहेंगे। तो हमने अपने देश में देखें तो पेड़ पौधों की पूजा की एक परंपरा बनाई, और उसके आशा अगर देखें तो इतना ही है कि लोग पेड़ पौधे को काटे नहीं, पीपल के पेड़ को खास तौर पे। इनफैक्ट कई बार आपको दिखाई देगा पीपल का पेड़ कोई पुराना है तो उसके लिए सड़क का नक्शा बदल दिया जाता है कि सड़क थोड़ा घुमा के चली जाए बट पेड़ को ना काटना पड़े। तो हमने इस मानने के आधार पर पेड़ पौधों को बनाए रखने का प्रयास किया। तुलसी के पौधे से इस प्रकार ऑक्सीजन मिलता है और जिस तरह से वायु को शुद्ध करता है, उसके लिए हमने एक मान्यता बना ली कि लोग हर दिन किसी रूप में भी अगर इसमें सुबह पानी डालेंगे तो पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगी, तुलसी के पौधों की संख्या बढ़ेगी, इससे वातावरण और स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, और उससे हमारे शरीर के पोषण में सहयोग मिलेगा। तो होता यह है कि हम समाज को एक निश्चित दिशा देने के लिए अगर शिक्षा का अवसर उपलब्ध नहीं है तो मानने के आधार पर इसको करते हैं। ये विधिवत रूप से परंपराओं में हुआ है, हर तरफ हुआ है, तो इसको आप प्रयोग करते हैं। बट उसका जो मूल आशय वो ये है कि लोगों को उसकी उपयोगिता समझ में आई, और इसकी उपयोगिता को समझते हुए कैसे लोगों का जीना सही हो उसके लिए हमने मान्यता बना ली। अब पत्ती को जो चबा के नहीं खाने की बात है तो उसमें यह होता है कि अगर तुलसी के पत्ती को चबा खाए तो उससे दांतों के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, दांत खराब होते हैं। तो लोगों ने यह भी एक मान्यता बना ली कि ऐसा करना गलत होता है, अनुचित होता है जी। उसमें मरकरी होता है, पारा होता है, इसलिए चबा खाने से दांतों को नुकसान पहुंचता है। पारा भारी होता है तो दांतों में जाता है तो फिर वो नीचे तक जड़ तक जाता है और नुकसान करता है। तो बात यह है कि जब हम किसी चीज को शिक्षा विधि द्वारा समाज को नहीं पहुंचा पाते ताकि हर व्यक्ति स्वयं में जांच कर जी कर देख कर उसको ठीक से जीने लगे, तो हम किसी मान्यता का सहारा लेते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, ऐसी पेड़ पौधों के बारे में हुआ, पशुओं के बारे में भी हुआ है कि कुछ पशु जिनसे हमारे शरीर के स्वास्थ्य में एक निश्चित भागीदारी पूरी होती है उनके बारे में हमने कुछ मान्यता बना ली, इस तरह के पशुओं को ना खराब किया जाए, ना हत्या की जाए, ना मारा जाए जी। जी भैया धन्यवाद भैया। ठीक है भैया, बढ़िया। दीदी जी का प्रश्न है, ट्राइंग टू गेट टेम्पररी हैप्पीनेस फ्रॉम सेंसेशन अ मियर वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज है ही। अगर हमें दिखे कि ज्ञान समाधान से सुखी हुआ जा सकता है तो वहां समय लगाएंगे, है ना, संवेदनाओं सुखी होने के लिए समय क्यों लगाएंगे? एनिमल्स हैविंग नो सेल्फ और डेड एग्जिस्टेंस
कैन बी यूज टू ईट और नॉट। तो देखिए अभी हमको अपना भोजन दिखाई दे कि पेड़ पौधों से पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, ठीक है ना, तो हम उस पर डिपेंड ही करें। तो अगर पशु कोई मृत हो गया है तो जाहिर सी बात उसके शरीर में जिस प्रकार से विघटन हो रहा है उसमें है ना कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करें, तो नहीं लेंगे, उसकी जरूरत भी क्या है। हमको दिखता है कि जितना हमारे शरीर के पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता उससे ज्यादा हम उत्पादन कर सकते हैं, तो उसका हम विधिवत उत्पादन करेंगे, उससे पूरा करेंगे। जहां तक एग्स की बात है तो अभी उसमें भी देखें तो दो तरह के एग्स होते हैं, एक जिसमें कि चिकन निकल पाते हैं, जिसमें चिकन नहीं निकल पाते हैं। परंतु तो मुख्य मुद्दा है कि एग्स के लिए जिस प्रकार से हम चिकन को रखते हैं, मुर्गियों को रखते हैं, है ना, वो तो काफी अनुचित होता है। और फिर जिस प्रकार से हम एक समय के बाद उन मुर्गियों क्या करेंगे जिनसे एग्स नहीं मिल रहे, या उन मुर्गों क्या करेंगे जिनका एग्स नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे उनका, तो फिर उनकी हत्या करने लगते हैं। तो बेहतर है कि हम भोजन के सही स्वरूप को पहचान लें, उसको पूरा करें। पेड़ पौधों से हमें पर्याप्त भोजन मिल जाता है, क्यों ना उसी को पूरा कर ले। देखिए मुद्दा संबंध को दिखने का है, जब संबंध दिखता है तो एक निश्चित प्रकार से हम अपने लिए कार्यक्रम बना पाते हैं। प्रश्न है कि क्या सेल्फ को ब्रेन की आवश्यकता है? हाँ, है ना, ब्रेन नहीं होता है तो मैं शरीर के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर पाता हूँ, शरीर के साथ सूचना का आदान प्रदान नहीं कर पाता हूँ। बढ़िया, समय भी हो चला है, इसको और हम लोग ध्यान से देखें, इस पर और कोई प्रश्न हो तो उसको ले सकते हैं। इन मुद्दों को समझेंगे तो डे टू डे लाइफ में जो हमारे बहुत सारे प्रश्न बने रहते हैं उस पर क्लैरिटी मिलेगी। जी दीदी, समय हो चला है, हम लोग सत्र को क्लोज कर लेते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हो तो कर दीजिए। जी भैया, बहुत धन्यवाद आज की चर्चा से, हमारा इकाइयों की उपयोगिता की तरफ बहुत सारा ध्यान चला गया, तो बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि अपनी भागीदारी अगर इंश्योर करना चाहते हैं तो हिंदी वर्कशॉप जो स्टूडेंट्स की चल रही है वहां पर जुड़ सकते हैं। तो भैया हम क्या रोक सकते हैं? जी दीदी, रोक लेते हैं। तो आज के लिए असाइनमेंट है कि ये चार अवस्थाओं के बारे में जो चर्चा हुई उसको और बारीकी से विश्लेषण करें, कोई भी अगर प्रश्न बनता है तो कल उस पर चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।